Good morning, students. Welcome to online class for class 2nd subject EVA. So now open your book and open chapter number 13, Our Earth. Okay? The name of chapter is chapter 13, Our Earth. Yani ki our means hamari, earth means prithvi. How many of these have you seen? Aap logon mein se kitne logon ne ye dekha hai? This is mountain, desert and river. How many you can see this? Okay, so in this chapter we will learn about the main features of the earth. अर्थ की मेन खासताएं विशेषताओं के बारे में जानेंगे हम. About the types of landform, कितने टाइप की जमीन होती है. About the type of water bodies, अब कितने तरीके से हमें पानी मिल सकता है. So learning ladder, main features of the earth. अर्थ की मेन फीचर यानी कि खास विशेषताएं क्या हैं? We live on the earth, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं. The earth is surrounded. Surrounded means घिरी हुई. By a thick, thick means मोटी layer of air called the atmosphere. अर्थ जो है हमारी चारों तरफ से मोटी layer से परत से घिरा हुआ है जिसे हम atmosphere बोलते हैं. Gases like oxygen and carbon dioxide are a part of the atmosphere of the earth. Gases में oxygen और carbon dioxide part है, हिस्सा है हमारे atmosphere यानी वातावरण का. ऑक्सीजन से हम का यूज हम ब्रीथ करते टाइम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ओके, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ओके, सो नाउ टर्न द पेज. नेक्स्ट पेज इज द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. अर्थ जो है यानी कि पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल का एक हिस्सा है. इट मूव्स अराउंड द सन एंड रिसीव हीट एंड लाइट फ्रॉम इट. अर्थ जो है पृथ्वी जो है रिसीव करती है, घूमती है चारों तरफ सूरज के एंड रिसीव लेती है हीट, गर्माई और लाइट फ्रॉम इट. ओके, सन से लेती है सारी हीट एंड लाइट. द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट. अर्थ ही पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है इन द सोलर सिस्टम सौरमंडल में वेयर लिविंग बींग्स आर फाउंड, जहां पर लोग जीवित लोग रहते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस. ये सब इसलिए है बिकॉज यहाँ प्रेजेंस यानी मौजूद है ऑफ एयर, या हवा मौजूद है एंड वाटर ऑन इट. इस यही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर वाटर भी है एयर भी है. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर. अर्थ का जो लार्जेस्ट सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट जो है कवर्ड है वाटर से, पानी से. द अदर पार्ट कंसिस्ट ऑफ द लैंड, बाकी का जो हिस्सा बचा है वो लैंड है, जमीन है. विच वी लिव, जिस पर हम लोग रहते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म, अब कितने टाइप की जमीन है. प्लेन्स, प्लेन मीन्स मैदान. प्लेन्स आर लार्ज एरियाज ऑफ द फ्लैट लैंड. प्लेन्स मैदान भी यहाँ पे काफी बड़े हिस्से में पाए जाते हैं. प्लेन्स हैव अ रिच सॉइल, प्लेन्स में मैदानों में मिट्टी भी है. क्रॉप्स ग्रो इन अ लार्ज क्वांटिटीज, क्रॉप यानी फसलें उगाई जाती हैं. ग्रो मीन्स उगाना, इन अ लार्ज क्वांटिटी बड़े पैमाने पे उगाई जाती हैं इन द प्लेन्स मैदानों पर. रोड्स कैन बी इजिली बिल्ड, रास्ते सड़क आसानी से बनाई जाती है ऑन प्लेन्स मैदानों में. बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन, इन्हीं सभी वजहों से पीपल प्रिफर टू लिव इन द प्लेन्स, इसलिए लोग प्रिफर करते हैं प्लेन्स मैदानों में रहना. नेक्स्ट इज हिल्स एंड माउंटेन्स. हिल्स मीन्स पहाड़ी, माउंटेन मीन्स पहाड़. अ हिल्स इज अ लैंड फॉर्म, हिल्स भी एक टाइप के लैंड फॉर्म ही है. विच इज हायर देन द लैंड सराउंडिंग इट, जो थोड़ी ऊंचाई पर है, जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर होती है. सी दिस इज हिल, ओके दिस इज माउंटेन एंड ये इसकी हिल है. अ वेरी हाई एंड बिग हिल, बहुत बड़ी और ऊंची हिल को कहते हैं कॉल्ड अ माउंटेन, वो हमारी माउंटेन कहलाती है. ओके, पीक मीन्स चोटी. The highest point of a mountain, सबसे ज्यादा ऊंचाई का जो पॉइंट होता है माउंटेन का इज कॉल्ड इट पीक्स, वो पीक कहलाता है. इट मीन्स चोटी. द पीक ऑफ माउंटेन आर यूजली कवर्ड विद स्नो, माउंटेन की जो पीक होती है चोटी वो स्नो से कवर्ड ही होती है. नेक्स्ट इज वैली, वैली मीन्स घाटियां. ओके, द लो लैंड लाइंग बिटवीन, दो जमीनों के बीच में बिटवीन हिल्स आर कॉल्ड विंड्स. जमीन और लैंड और जमीन के बीच का हिस्सा हमारा वैली कहलाता है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज वैली. ओके, माउंटेन्स एंड लैंड के बीच का जो पार्ट होता है वो हमारा वैली कहलाता है. इट मीन्स घाटी. रिवर्स, इट मीन्स नदी एंड स्ट्रीम, झरना फ्लो थ्रू आउट वैलीज. रिवर्स, नदी, स्ट्रीम, झरना ये सब फ्लो करती है, बहती है इन वैलीज के थ्रू.
ये जो वैलीज का बीच का पार्ट है हमारा, इससे हमारी वाटर आता है। देयर दे आर ग्रीन, वो हरे कलर के होते हैं। एंड फर्टाइल एरिया, फर्टाइल मीन्स होता है हमारा उपजाऊ, वो जो होता है हरा होता है उसका एरिया काफी उपजाऊ होता है। नेक्स्ट इज प्लैटियूस, प्लैट्यू मीन्स पठार, अ हाईलैंड दैट इज फ्लैट, बहुत ऊंचाई का एरिया जो फ्लैट होता है, एकदम सपाट होता है, इज अ टॉप ऊपर का एंड लुक लाइक अ टेबल, और जो देखने में बिल्कुल एक टेबल के जैसा दिखता है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज प्लैट्यू, ओके, लाइक अ टेबल इज कॉल्ड अ टेबल लैंड, इसे आप टेबल लैंड भी बोल सकते हैं और प्लैट्यू भी बोल सकती है। प्लैट्यू मीन्स पठार। नेक्स्ट इज डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, अ डेजर्ट इज अ लार्ज एरिया कवर्ड विथ सैंड, डेजर्ट एक ऐसा एरिया है जो ज्यादातर सैंड से ढका हुआ है। द लैंड इज ड्राई, वहां की जो लैंड है, जमीन है, ड्राई है, एंड इट गेट लिटिल और नो रेनफॉल, वहां पे बहुत थोड़ी या फिर बिल्कुल ना की बराबर बारिश होती है। कैक्टस इज वन ऑफ द फ्यू प्लांट्स फाउंड इन अ डेजर्ट, कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जो डेजर्ट में पाया जाता है, कांटो भरा कैक्टस होता है ना वो। कैमल्स आर फाउंड, कैमल्स मीन्स ऊंट, कैमल्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन डेजर्ट, डेजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में कैमल्स ऊंट ही मिलते हैं देखने को मोस्टली। दे आर ऑल्सो कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट, उसे हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ वाटर बॉडीज, कितने टाइप की वाटर बॉडीज होती है। द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, एज इट अपेयर्स ब्लू फ्रॉम अर आउटर स्पेस, बिकॉज वो बाहर से दिखने में एकदम ब्लू है। दिस ब्लू कलर इज ड्यू टू द वॉटर, इसका ब्लू कलर जो है वो उसके पानी की वजह से है, कवरिंग इट सरफेस, जो उसकी सतह को कवर किया हुआ है। देर आर वेरियस टाइप ऑफ वॉटर बॉडीज, यहाँ पे कई प्रकार की वॉटर बॉडीज होती हैं फाउंड ऑन द अर्थ, अर्थ पर, लाइक लेक्स, झील, पॉन्ड्स, तालाब, रिवर, नदी, स्ट्रीम, झरना, सीज, समुद्र एंड ओशंस, महासागर। सो नाउ फर्स्टली वी विल रीड अबाउट पॉन्ड्स एंड लेक्स, पॉन्ड्स मीन्स तालाब एंड लेक मीन्स झील। पॉन्ड्स आर स्मॉल, पॉन्ड जो होते हैं काफी स्मॉल वाटर बॉडीज होती है, उसमें पानी जो होता है क्वांटिटी वाटर की वो बहुत कम होती है। एंड लेक्स आर बिगर देन पॉन्ड्स, और लेक जो होती है झील वो पॉन्ड से थोड़ी बड़ी होती है। सो रिवर, ड्यूरिंग समर, गर्मी में द स्नो ऑन द माउंटेन पीक मेल्ट, माउंटेन की पीक पर यानी चोटी पर जो स्नो होता है, बर्फ होता है, वो मेल्ट होता है, पिघलता है। दिस स्नो टर्न इन टू द वॉटर, और ये स्नो जो होता है बर्फ मेल्ट होकर पिघल कर वॉटर बन जाता है, विच फ्लो जो बहता है डाउन नीचे इन द फॉर्म ऑफ रिवर, रिवर में आकर बहता है। वॉटर इन रिवर फ्लो थ्रू आउट प्लेन्स, अब जो इन रिवर्स का वॉटर है वो प्लेन्स में मैदानों पर जाता है एंड ज्वाइन द सीज, और वो समुद्र को ज्वाइन करता है। नेक्स्ट इज सीज एंड ओशन, अब सीज और ओशन में किस तरह से वाटर पहुंचता है। सीज समुद्र एंड आर लार्ज वाटर बॉडीज, समुद्र में ज्यादा काफी बड़े पैमाने पे वाटर होता है। ओशंस आर द लार्जेस्ट, समुद्र जो महासागर जो होते हैं वो काफी बड़े पैमाने में उसमें पानी होता है। सीज एंड ओशंस हैव सॉल्टी वाटर, सीज में और ओशन में जो वाटर होता है काफी नमकीन होता है, विच इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो पीने के लिए ठीक नहीं होता, ओके, जिस पानी को फिल्टर करने के बाद ही ड्रिंकिंग के लिए यूज कर पाते हैं। सो माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। सो स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, इफ यू अंडरस्टैंड देन फिल योर एक्सरसाइज टू योरसेल्फ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।